गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीमोच, जहाँ से स्कूलिंग हुई है और भगवान की कृपा से वहाँ पे पढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हुआ था प्रीवियसली। तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ से आप स्कूलिंग करते हैं और वहाँ पे आपको पढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होता है, तो एक अलग आनंदित करने वाला वो पल, गुरुजनों के साथ, गुरुजनों के सानिध्य में उनके साथ काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, वो एक बहुत बड़ी बात रहती है। और एक छोटे से पिक्चर क्लोजर में मैं आऊँगा जासुई गांव। पिछली वीडियो में भी बहुत चर्चा हुई है इस गांव के विषय में। ये गांव कबड्डी के क्षेत्र के लिए लादी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, फेमस है, और वहाँ के नौजवान युवा इंडियन आर्मी में भी काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, और जो युवा घर पे है वो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। समृद्ध गांव, और जो इनकी ज़मीन है वो बिल्कुल इस खड्ड के साथ लगती हुई, कूल उसको कहा जाता है स्थानीय भाषा में, जिसमें ज़मीन के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं। तो ये एक ऐसा गाँव जो कि पूरे खत के लिए, सिंगटो खत के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लाडी क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए मैं इसको बार बार इस गांव का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये गांव, इस गांव के नौजवान, इस गांव की युवा शक्ति, इस गांव के बुज़ुर्ग, सब में तालमेल और एक पारिवारिक माहौल, और वहाँ के युवा बिल्कुल नशे से दूर। और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहे। और दूसरा गाँव जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, इमर्जिंग टीम इन द फील्ड ऑफ कबड्डी के क्षेत्र में बिंदौली। बिंदौली भी अभी हाल ही में कई कप अपने नाम कर चुकी है, और आने वाले समय में ये उभरती हुई टीम यही जासुई के लिए हर एक क्षेत्र में चुनौती पेश कर रही है। तो ये आपका बिंदौली गांव। आज दर्शकों, मैं आपको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीमोच के प्रांगण में ले जाऊंगा, और स्कूल का निर्माण जिस तरह से वहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कैंपस हुई है, प्रधानाचार्य महोदय जी और वहाँ पे एनर्जेटिक जो स्टाफ है उनके सानिध्य में एक डेवलपमेंट हुआ है स्कूल का, काबिले तारीफ। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीमोच में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, और किस तरह से वहाँ पे प्लेग्राउंड बहुत बढ़िया, और वहाँ पे एक एनर्जेटिक स्टाफ्स, एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स, तो इस तरह का डेवलपमेंट। और मुझे आज ये वीडियो बनाते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये मेरा घर का स्कूल है और यहीं से ही मैंने स्कूलिंग की है, और कुछ समय मुझे यहाँ पे पढ़ाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप ज़रूर कमेंट में इस बात की प्रतिक्रिया जरूर दे। और ये यहाँ से ये अपना रास्ता है गांव से कोटीमोच की ओर जो जाने वाला रास्ता है, इधर से हम सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 AM आते थे और सीधा स्कूल के लिए भागते थे। तो ये स्कूल की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए, आपकी भी कोई ऐसी वीडियो है, ऐसी याद है तो आप कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई आपकी ऐसी वीडियो है दर्शकों तो आप ज़रूर कमेंट में, क्योंकि वो पल, वो यादें वापस नहीं आती है, लेकिन उन यादों के साथ जीना, उन्हें याद करना कहीं ना कहीं वो बड़ा आनंदित करने वाला पल होता है। आइए, लेट्स गो मूव टू द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीमोच। ये स्कूल का व्यू, कितना सुंदर नज़ारा और दृश्य आप देख सकते हैं। ये नया भवन का निर्माण स्कूल के प्रांगण में हो रहा है। आगे ग्राउंड देखिए, कितना स्पेस है ग्राउंड के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन के तौर पर यहाँ एक डिज़ाइन जो स्कूल का आया है, बहुत गजब है। और कलर आप देख सकते हैं, ट्राई कलर आप देख सकते हैं, तिरंगे का कलर, और ये सारी चीज़ें। इधर को स्टेज, आप चादर वाला स्टेज देख सकते हैं। आपको सीधे ले चले गए, और कुछ छोटा सा मार्केट गुमट का, यहाँ पे दुकानदार जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है वो रखते हैं।
और ये गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीमोच, आप देख सकते हैं। और ये एरिया तो मैंने आपको दिखाया था इधर बोराड, ये गुम्मट गांव और जासुही, ये सारी चीज़ें यहाँ 12 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते। किसी समय बहुत पुराना स्कूल है, बाकी स्कूल बाद में ही ओपन हुए हैं, लेकिन ये जो स्कूल है काफ़ी पुराना है, यहाँ से बहुत पुराना स्कूल है। रोनाट भी बाद में खुला, नोंग भी बाद में, और राजरौली तो बहुत बाद में खुला है। तो ये सारे जो गांव के बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने आते थे, बहुत बढ़िया यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ करता था, बहुत नाम चलता है स्कूल का, पुराना स्कूल है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सिलाई दर्पण को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आपको स्कूल क्लोजर अंदर से दिखाया गया, किस तरह के रूम का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, किस तरह के टॉयलेट्स वहाँ पे है, किस तरह का वहाँ पे मंच का सजावट है, मंच फॉर्मेशन वहाँ पे है। दिस क्रेडिट गोज़ टू द स्टाफ मेंबर एज वेल एज प्रिंसिपल सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटीमोच। अगली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किस तरह से वहाँ पे फॉर्म हो रहा है और किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बदलाव हुए हैं जब से हम गए हैं। मैंने भी यहाँ पे 1.5-2 साल पढ़ाया है। थैंक्स अलॉट। अब इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल सिलाई दर्पण और फ्रेंड्स क्लब सिलाई, सिलाई की आवाज़ को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए वंडरफुल डे।